दोस्तों, आपने दीनदयाल ई रिक्शा पॉलिसी के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि 2014 में नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पॉलिसी के चलते नितिन गडकरी जी ने साइकिल रिक्शा को रोड से गायब कर दिया। इनका मानना था कि साइकिल रिक्शा एक इनह्यूमन और एग्जॉस्टिंग प्रैक्टिस है, जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को कैरी करता है, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और एग्जॉस्टिंग होता है। तो सबसे पहले नितिन गडकरी जी ने लॉ में चेंज किया ताकि ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग ईजी हो जाए। साथ ही साथ भारत सरकार ने ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज की और सरकार ने इस पर सब्सिडी देने की भी बात कही, जिससे ई रिक्शा की कॉस्ट बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो गई। सब्सिडी देने के कारण इसकी कॉस्ट करीबन 85,000 हो गई, क्योंकि नॉर्मल ऑटो रिक्शा की कॉस्ट का आधा था। वहीं दीनदयाल ई रिक्शा पॉलिसी के तहत सरकार ने कोलेट्रल फ्री लोन देने की बात कही। इसका इंटरेस्ट रेट सिर्फ और सिर्फ 3% है। पॉलिसी के पीछे मेन रीजन ये है ताकि नॉर्मल इंसान भी ई रिक्शा को परचेज कर सके, और यही कारण है कि 90% साइकिल रिक्शा ओनर ने ई रिक्शा पर स्विच कर दिया। रोडों से नॉर्मल ऑटो रिक्शा की संख्या भी कम होती जा रही है, जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सी फीमेल भी इन रिक्शा को चलाती है, जिससे उनकी इनकम जनरेट हो सके। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए।